हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे सिक्स्थ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव रत्न गांधी जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और आज के दिन यानी कि आज डेट है 21 मई को 1991 में उनकी हत्या कर दी गई थी। एक सुसाइड फीमेल बॉम्बर थी, नाम भी जानेंगे, बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसमें की हम जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, राइट। इससे आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी का प्लस गवर्नेंस का जो चैप्टर है इनडायरेक्ट वे में क्लियर हो जाएगा। तो आज पूरी हम जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैं आपको इनिशियल से लेकर चलूंगा कि किस तरह से राजीव गांधी जी का एसासिनेशन हुआ था। इस पूरी कंप्लीट जो भी मैं वीडियो ओरली आपको डिक्टेट कर रहा हूं, अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीआर पब्लिकेशन, तो आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगा, राइट। चलिए देखिए बात शुरू कब से होती है। सबसे पहले जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी जी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चलिए उनकी पहले फैमिली के बारे में बता देता हूं। फैमिली क्या है, वो थे आपके नेहरू जो गांधी परिवार से। इनकी जो अगर मदर के बारे में बात करूं, उनका भी एसासिनेशन कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। तभी 1984 से 1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, ठीक है। छठवें प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था इनको, क्योंकि ये 40 एज में बने थे। अचानक कैसे बने, क्या इनका कोई पॉलिटिकल पहले से बैकग्राउंड था, क्या पॉलिटिक्स में रिलेटेड थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंदिरा गांधी जी जो थी उनका एसासिनेशन कर दिया गया था 1984 में। उसके बाद पूरा जो कैबिनेट में हड़कंप मच गया, कौन कौन अगला जो प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके पुत्र थे यही श्री राजीव रत्न गांधी जी, उनको बना दिया गया पीएम। अब राइट, 1984 से 1989 तक पीएम की गद्दी में रहे और उसके बाद बात आती है कि क्या ऐसी सिचुएशन आई, क्या ऐसी ऐसी चीजें हुई जो इनका एसासिनेशन के करीब लाई इनको, राइट। और ये अभी 3 दशक हो चुके हैं, यानी कि पूरे 30 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आप ये समझ चुके होंगे, इंदिरा गांधी जी इनकी माता थी और इनका एसासिनेशन 21 मई 1991 को हुआ, राइट। चलिए कहाँ हुआ, राजीव गांधी जी अगर बात करें, एक फीमेल बॉम्बर थी, मतलब ऐसा होता ना जैसे थोड़ा सा दूर बेल्ट रखी गई है, क्या होता है एक बेल्ट लगा के आरडीएक्स का एक्सप्लोजिव, यहां पर एक फीमेल बॉम्बर आई, ठीक है, कि फूल हूल चढ़ाऊंगी। उस दिन ये रैली कर रहे थे, मैं पूरा स्टोरी बता के चलता हूं। तो उसमें उनने कहा कि चलो पैर छूने दो, और जैसे ही पैर छुए विद इन 1 से 2 सेकंड के बीच में आरडीएक्स फटा, इनके साथ साथ 25 लोग और मारे गए। ये पूरा सिनारियो था उस दिन का। अब चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये शुरू कहां से या कहां से आप समझोगे धीरे धीरे। 1984 की बात है जब प्रधानमंत्री ये बन जाते हैं 1984 में, तो होता क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही थी ना इनके मर्डर के बाद, एसआईटी ने की थी कि कहां कहां से ये शुरू हुआ। देखो अब इसको शुरू करने के लिए यहां पर एक देश को और जानना होगा, वो है हमारा श्रीलंका, ठीक है। भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका है, ठीक है। कहानी शुरू तब से होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, ब्रिटिश सरकार का राज हुआ, ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को कब्जा लिया। अब जितना भी ट्रेड वगैरह वो है वो ब्रिटिश राज, ट्रेड क्या एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट करने लगी थी। अब वो चाह रही थी कि मैं सब जगह कॉलोनी बनाऊं, तो एक कॉलोनी उन्होंने श्रीलंका में भी बनाई, ठीक है। श्रीलंका कहां पर है, मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉप यूज करूंगा। प्रॉप यूज करने के लिए चलिए यहां पर ये माइक का ये पैकेट है, आप सबको पता होगा। ये अगर इंडिया है तो इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, ठीक है। चलो ये इंडिया है हमारा और इसके नीचे वाला पार्ट ये आई ड्रॉप है, ठीक है। अब देखो ये श्रीलंका पार्ट है, ठीक है। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये भारत है ये श्रीलंका है, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब भारत पर पूरा कब्जा कर लिया था, श्रीलंका पर अपनी कॉलोनी बनाने लग गए थे, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए थे कि कुछ जो हमारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े लिखे लोगों को हम श्रीलंका में सेटल करें। यह पूरा मुद्दा था। 1947 तक तो भारत आजाद हो गया था, बट उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं, प्री इंडिपेंडेंस। तो ये लोग तमिल लोगों को, ठीक है, ये लोग क्या करें, तमिल लोगों को आगे लेके आए, ठीक है, तमिल लोगों को आगे लेके आए। मैं थोड़ा सा एक कॉल कट कर दूं फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं बात कर रहा था कि ठीक है ये श्रीलंका है ये भारत है,
अब ब्रिटिशर क्या करने लगे थे, जो पढ़े लिखे तमिल्स को श्रीलंका में सेटअप करते रहे, और श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में, उत्तरी और पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में और नॉर्थ वाले पार्ट में जनरली तमिलियंस को उन्होंने बसा दिया। अब अच्छी अच्छी नौकरी में ये हैं, अच्छे अच्छे जॉब में ये हैं, क्योंकि इनको शिक्षा देने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए, कि ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे वो श्रीलंका में जाके। अब होता क्या है कि जब 1948 में श्रीलंका भी 1948 के ड्यूरिंग में जब श्रीलंका आज़ाद होने लग जाता है, तब श्रीलंका में अगर जो मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट है, सिन्हली कम्युनिटी जिसे कहते हैं, वो मेजोरिटी में है, और जो सेटअप किए थे हमारे, वो हमारे तमिलियंस हैं, ठीक है। तो हमारे ही तमिल पीपल उनके नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में बसे हुए, अच्छी अच्छी शिक्षा यही पा रहे हैं, अच्छे अच्छे इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर ने अपने फायदे के लिए ये किया था। अब जब श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया, अब जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, अब उनको लगा कि यार ये जो माइनॉरिटी वाले हैं, और हर जगह होता है ये, ठीक है, माइनॉरिटी वाले हैं, इनको हटाना हम शुरू कर देते हैं, हटाना शुरू भी उन्होंने कर दिया। अब क्या हुआ, फिर तमिलियंस चुप नहीं बैठेंगे, तमिलियंस ने एक ग्रुप बना दिया, एक मिलिटेंट ग्रुप। जनरली ये ग्रुप ऐसे लोगों का होता है जो पढ़े लिखे भी होते हैं, जिसमें इलिटरेट भी होते हैं, तो ये मतलब वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराने की ट्राई करते हैं, और इनकी ये डिमांड थी कि तमिल इलम हम बनाएं। तमिल इलम मतलब ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट, वहां तमिलियंस लोग रहें। तो उसी ग्रुप को, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उसको लिट्टे कहा गया, राइट। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिट्टे कहां से आया। अब देखो, अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है कि यार लिट्टे और लिट्टे ने ही जो राजीव गांधी जी, राजीव रत्न गांधी जी थी, उनका मैं इनको साइलेंट कर दूं, राइट, ठीक है, ताकि आपको, राजीव रत्न गांधी जी को क्या किया, असासिनेशन में लिट्टे ग्रुप ही शामिल था, उन्होंने ही उस महिला को भेजा था, ठीक है। आई थिंक आप लिट्टे ग्रुप का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि लिट्टे कहाँ से आया, ठीक है। उनकी क्या डिमांड थी कि तमिलियंस के लिए अलग सा इंडिपेंडेंट हम क्या बनाएं, ज्योग्राफिकल एरिया बनाएं, जहां ऑटोनॉमी खुद की रहनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं सिक्वेंस कि कत्ल कैसे किया गया हमारे पुराने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। बात शुरू होती है जफना जंगल से, श्रीलंका में साउदर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जैसा मैंने बोला कि तमिलियंस का एक डिमांड था, तो श्रीलंका में जफना जंगल्स थे। 1990 के दौरान पर, अक्टूबर 1990 की बात चल रही थी, ठीक है, तो जो है उन्होंने षड्यंत्र रचा, और ये सब दिल्ली से ऑपरेट होते हुए आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग दिल्ली से भी शामिल थे, अभी किनको अरेस्ट किया वो बात करेंगे, ठीक हो गया। तो 1990 की बात थी। अब पॉलिटिकली मैं एंगल इसमें घुसाने की ट्राई करूंगा, तो 1984 में जो राजीव गांधी जी हैं वो क्या करते हैं, वो पीएम बन जाते हैं 1989 तक, और उसके बाद सडन आप सबको पता है सरकार किसकी आती है, वीपी सिंह की सरकार आती है, ठीक है, 1990s के दौरान वीपी सिंह की सरकार आती है, और उसमें बहुत ज्यादा ऐसा चलता है कि अब जो है वीपी सिंह की सरकार गिर जाएगी और नए जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो जो है राजीव गांधी ही बनेंगे, ठीक है। 1984 से 1989 तक तो थे ही वो, और 1990 में फिर इलेक्शन हुए, वीपी सिंह की गवर्नमेंट जीत गई, और अगला चांसेस था 1991 में फिर से इलेक्शन होने वाली थी, और ये पूरा बोला जा रहा था कि जो जीतेंगे वो कौन जीतने वाले हैं, राजीव गांधी जी जीतने वाले हैं। अब ये पॉलिटिकल सोचो कितना ज्यादा गेम चल रहा है, राजीव गांधी जी को अब वो जीतेंगे तो सिंपल सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे, तो उनको मारने की साजिश होगी। अब होगा क्या, साजिश हुई कैसे, साजिश बहुत सिंपल है। तो अब 1991 का टाइम आ गया था, फरवरी और मार्च का टाइम था, इलेक्शन शुरू होने वाले थे, तो कैंपेन करने चलते हैं, तो रैली करने चले गए थे, चेन्नई जगह थी, और श्री जो इनका जहाँ सुसाइड हुआ था, जहाँ सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी इन पे, श्री पेरुम्बदूर, ठीक है, एक जगह है, छोटा सा टाउन है चेन्नई में, चेन्नई में एक छोटा सा टाउन है श्री पेरुम्बदूर, ठीक है, श्री पेरुम्बदूर एक जगह है, टाउन है, जहाँ पर वो रैली कर रहे थे। अब सब लोग आए, ये लोग भी आए, दिन था 21 मई का, दिन था 21 मई 1991 का, वो दिन था, विशाखापट्टनम से लौट रहे थे, और वहाँ पर अपनी रैली उन्होंने कहा कि चलो कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है, वो उतरे कहाँ पर, श्री पेरुम्बदूर में 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी उतर गए, अपना रैली वगैरह करने लगे, सब लोग मिलते हैं ना, तो मिलने लगे थे, सब लोग मिलने लगे थे, पाँव हाँ छूने लगे थे। अब एक लेडी अचानक से आई क्रॉस करते हुए, बैरिकेड लगाए हुए थे पुलिस ने, एक लेडी अचानक से क्रॉस करते हुए आई, गार्ड ने रोका, उस पर राजीव गांधी जी ने कहा कि नहीं, चलो सबसे, सबको मिलने का अधिकार है, मैं किसी को निराश करके नहीं भेजूंगा,
तो ऐसा बोल दिया। तो वो आई और विद इन देखो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी वहां पर, उन्होंने फूल डाले, उन्होंने पांव छूने के बहाने पांव छुआ और विद इन 1.5 सेकेंड में वो आरडीएक्स पूरा फट गया। हमारे राजीव गांधी जी के साथ साथ 25 और जवान जो हैं शहीद हो गए, 25 और जवान शहीद हो गए। अब आप उस जो लड़की का नाम क्या था, थैनमोजी, उसको धन्नू भी कहा जाता था, ये एक सुसाइड बॉम्बर थी, लिट्टे ग्रुप की मेंबर थी। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि जो ये धन्नू है, इसकी मैं इमेज आपको जो है वॉलपेपर बोल रहा हूँ, थंबनेल में डाल दूंगा, थंबनेल में आपको ये लड़की दिख जाएगी। अब आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि चलो ठीक है, इसका नाम है थेनमोजी, इसको धन्नू भी कहा जाता था, इसने क्यों ये सुसाइड बॉम्बर मिली? एक तो ये रीजन हो सकता था पैसे के चक्कर में, कि पैसे वाला चक्कर नहीं था। हुआ क्या था, श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था उस समय, और थेनमोजी जो उसका भाई था वो लड़ रहा था कि जो हमारे लिए तमिल इलम का अलग से स्टेट बनाओ। अब जो उसका भाई लड़ रहा था, ठीक है, अब इंडियन आर्मी, आप सबको पता है इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स आती है, सिविल वॉर जहां पर भी होता है उसको रोकने के ट्राई करती है। तो इंडियन आर्मी सोल्जर आए और उसने ग्रेनेड बरसाए, फ्यूनरल में भी ग्रेनेड बरसा दिए थे, उस दौरान उसका भाई मर गया इस चक्कर में। तो इसने कसम खा ली, वो होता है पुरानी मूवी में कि बदला लूंगी, और इसने देखो कितना बड़ा कांड कर दिया आज, ठीक है, आज ही के दिन 30 साल पहले, ठीक है। तो इसका नाम है थेनू मौजी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस सुसाइड बॉम्बर के पास तो एक वजह थी कि मैं क्या कहते हैं, इसने मेरे भाई को मारा इंडियन आर्मी ने, तभी मैं इनके प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दूंगी, राइट। पर बात यह आती है कि लिट्टे ग्रुप का क्या प्रॉब्लम था यार, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को क्यों हराना चाहता था? एक तो मैंने बता दिया एक रीजन, तो न्यू दिल्ली से थोड़ा सा दबाव था इन पे कि पीएम अगले बनने वाले हैं राजीव रत्न गांधी जी, तो इनको हटाना है रास्ते से, ठीक है, पर ये भारत वालों के बस की बात नहीं थी। तो लिट्टे ग्रुप में क्या चल रहा था, देखो लिट्टे ग्रुप मैंने कहा कि किसके लिए, मिलिटेंट ग्रुप है, और अपनी अलग स्टेट के लिए वो कर रहा था, और जो सिविल वॉर चल रहा था ना श्रीलंका की गवर्नमेंट और इनके लिट्टे ग्रुप में, तो वही सिविल वॉर था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो इंडिया का जेस्चर क्या था कि अपनी कंट्रीज के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम क्या भेजेंगे, उनको क्या देंगे, अपनी इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको भेजेंगे, और हमारे जवान भी जाते हैं, ठीक है। तो अब जब प्रधानमंत्री जी बने, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, इन्होंने जब राजीव रत्न गांधी जी बोलते हैं, अनाउंस करते हैं कि अगर मैं जीत गया, पावर में आ गया, तो लिट्टे ग्रुप को हटा दूंगा और जो पीस कीपिंग फोर्स है यानी कि इंडियन सोल्जर को फिर से भेजूंगा श्रीलंका में लिट्टे ग्रुप को खत्म करने। सोचो इस वजह से लिट्टे ग्रुप ने ये पूरा मतलब आग में घी डालने का काम इनका ये स्पीच कर गया राजीव गांधी जी का, राइट। अब ये पूरी स्टोरी हो गई, फिर 21 मई 1991 को सुबह 10:45 की बात है, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम है। तो ये सब चीजें हुआ, अब पता लगाया गया, एसआईटी बैठी, फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें इंक्लूड हो गए थे, पता लगाने लगा कि क्या हुआ। 21 लोगों को पकड़ा गया, 12 लोग तो बॉम्ब ब्लास्ट में ही मर गए थे, बहुत सारे लोगों में टाडा एक्ट लगाया गया, टेररिस्ट एक्ट, तो सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उसमें बहुत सारे राजीव गांधी के पीछे बहुत सारे अभी भी हैं, अभी 7 लोग बचे हैं, कुछ लोग तो जेल में ही मर गए, अब कुछ बचे हैं 7 लोग। 7 लोग 30 साल की अपनी उम्र कैद काट चुके हैं। अब बात यहां पर 2018 में वहां के हाईकोर्ट ने बोला था कि गवर्नर से एक बार रिकमेंड कर लो, अब इन्होंने अपनी पूरी उम्र कैद काट ली, इनको रिहा कर दो। तमिलनाडु के अभी जो स्टालिन नए सीएम बने हैं, उन्होंने भी अभी केंद्र सरकार से ये बोला है कि राजीव गांधी के जो 7 कन्विक्ट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, उनको अपनी जो भी उन्होंने गलती की, सबसे बड़ी गलती की, उसका उनको पता चल गया, इनाम पता चल गया। अब बात आती है, ये पूरा मैंने समझा दिया राजीव गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ था, तो बात ये आती है कि यूपीएससी किस काम का है। यूपीएससी के जनरली मैंने कहा डायरेक्टली काम का नहीं है, बट बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के बारे में पूछते हैं, बट उनमें से एक राजीव रत्न गांधी जी नहीं है, ठीक है। राजीव आपका जो स्टेट पीसीएस या दूसरे उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये खेल रत्न कब से शुरू हुआ, बट मैटर नहीं करता, ठीक है। इनडायरेक्टली आप इससे ये समझ सकते हो कि 1984 से 1989 के बीच में, और 1991 मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की, मैंने आपको कुछ 5 से 10 साल कवर करके दे दिए हैं,
ठीक है। तो और लिट्टे के बारे में बता दिया, लिट्टे आपसे हमेशा पूछा ही जाएगा, लिट्टे हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा, तो लिट्टे के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, यहां से यूपीएससी की सीखी ही है। ओके okay? चलिए, इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी, पूरे लास्ट एंड तक देखा तो एंड कोड रख देते हैं आई ड्रॉप, सब लोग आई ड्रॉप टाइप करो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं यूपीएससी पेड ग्रुप डिस्कशन और यूपीएससी के पेड प्लान्स लेना है अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो आप हमारी कोई भी हिंदू एनालिसिस की एक वीडियो देख लीजिए, विद इन 3 मिनट आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उसमें क्या है, और बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सीट बुक कर सकते हैं। पूरी गाइडेंस मैं ही दूंगा, पर्सनली मैं ही सबको गाइडेंस देता हूँ जो इनिशियल से तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, कोई भी एग्जाम की गाइडेंस मिलती है आपको, जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स, 6 to 12th नोट्स, सी सेट की वीडियो सब कंप्लीट अवेलेबल है, सब मेरे ही द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूरी तरह आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कोर्स, क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, ट्रस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पर, कि क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। थैंक यू।